भाई पहुँचते सीधा कश्मीरी गेट। भाई ढाबे वाले कैसे स्कैम करते हैं, सच में शॉक हो गया मैं भी। चलो बाय। तो फाइनली मेट्रो आ गया हूँ घर का। तो आपने देख लिया होगा कि कैसे गुड बाय करते हैं हमारे में। ये इतना बड़ा जो टीका लगाया हमारे में एज ट्रेडिशनल है। तो अभी पहुँचते हैं सीधा कश्मीरी गेट और आपको बता दूँ मैं कहाँ जा रहा हूँ। शायद मैंने बताया भी होगा आपको पहले वाले ब्लॉग में, अगर नहीं पता तो वो आई बटन में यहाँ पे आ रहा होगा, वो वाले वीडियो को ओपन कर लेना और पता लग जाएगा। तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू अ कमल सिंह ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई विश कि सब अच्छे होंगे कोरोना टाइम पे और सुखद होंगे। 14 जुलाई और आज बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, सुबह से मौसम बना हुआ है घट। तो मेट्रो में बैठते हैं, ये मेरा सामान, और निकलते हैं बढ़िया सी जर्नी के लिए। जर्नी इंटरनेशनल जर्नी दिखाऊंगा मैं आपको, सबसे चीपेस्ट इंटरनेशनल जर्नी। तो कंटिन्यू माय व्लॉग, अगर यहाँ तक आ गए तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना वीडियो को, और ये आ रहे सब्सक्राइब बटन को प्लीज़, लाल वाले बटन को प्लीज़ दबा देना। तो मेट्रो आ गई है, मैं निकलता हूँ। बाय बाय बाय। मेट्रो से भी मैं आया था, मुझे 5 बजे 5:30 तक बस है। तो बस में बैठ गया और वहाँ से भी आते टाइम पे कश्मीरी गेट में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है, कभी 3 नंबर एग्ज़िट, कभी 2 नंबर एग्ज़िट, कभी 5 नंबर, वो सारे के सारे एग्ज़िट पे बंद। तो जस्ट मैं भी बैठा हूँ, मेरा बैग भी नहीं थी। तो क्या हुआ था कि मैंने कर रखी थी बुकिंग आगे की सीट की, और मुझे मिली है, मतलब पीछे भी नहीं मिली, आगे 4 लाइन बाद मेरी सीट है, तो मैंने बुक कर ली थी यहाँ पे। और अब चलते हैं, जैसे कहा था इन्होंने 5 बजे निकलेंगे, बट मुझे नहीं लगता कि 6 बजे से पहले निकलेंगे यहाँ पे। जो जो जिनको कुछ चीज़ें चाहिए थी शॉपिंग के तौर पर, तो मैंने सब कुछ ला के बैग में रख दिया, और इतना हैवी बैग है क्या बताऊँ, मतलब इसको उठाते उठाते कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन में मेरी निकल गई थी जान, बहुत ज़्यादा। ये 2 पैसेंजर सारी, और ये दुकान वहाँ पर है, ये दुकान है, यहाँ से पानी लेके आता हूँ। पानी की बोतल ले ली वाली 20 रुपये की पड़ी है मेरे को, और कॉमोलैंड से बाहर ट्रैवल करते टाइम भी बाहर तो अभी ज़्यादा खाता नहीं, लेकिन हाँ नमकीन वगैरह कुछ ले लूँगा, पानी तो रही कोचिंग इसी में। तो इतना कीचड़ कीचड़ हो रहा था, मतलब जाना भी ज़रूरी है क्योंकि कल एक अर्जेंट पूजा है हमारे वहाँ पे गांव में। अभी बज रहे हैं 5:55 और 5:30 बजे कहा था चलने के लिए, आधे घंटा हो गया, आधे घंटे से ऊपर हो चुका है, पर पता नहीं बस कब तक चले। नाउ रेडी टू गो, फाइनली चल चुकी है बस। तो पूरा 1 घंटा 20 मिनट वेट करने के बाद ही बस निकली है, पता नहीं मेरी आवाज़ आ रही नहीं आ रही आपको, बट 3 साल बाद मैं जा रहा हूँ, तो आई डोंट नो कि कैसे क्या होगा, बट हाँ मज़ा बहुत है। और वहाँ की विलेज मॉर्निंग बहुत मज़ा आता है, तो देखते रहना नॉर्थ के साथ यहाँ पर तो आ चुके हैं, देखते हैं। ब्रेक पहुँचने के लिए भी वहाँ की गेंद्री, मतलब मैं आपको दिखाऊँगा ना पूरी जगह हो जाओगे, पूरी जगह घूमने के लिए, जैसे कहते ना मसूरी और क्या नाम है, बहुत पहाड़ों की साइड हम जाते हैं घूमने के लिए, हिमाचल साइड जाते हैं, हाँ उसी से कुछ रिलेटेड है, बहुत बहुत ज़्यादा प्यारी जगह, बस मैं वेट नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा।
डी ब्लॉक गाज़ियाबाद पहुँच गया हूँ। ये इंडियन ऑयल पेट्रोल का है जहाँ पे हमारी बस जो है ये डीजल के लिए वेट कर रहे हैं। और एक चीज़ और, मैं ज़्यादा शूट अंदर इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि आगे वैसे भी अंधेरा है, अंदर लाइट तो ओपन नहीं है, बट भी प्रॉब्लम नहीं है कोई बॉमविट की। हाँ, बट मेरे आगे जो पैसेंजर है, जो बैठे हुए हैं, एक आंटी थी, अब उन्होंने बॉमविट करा तो उनका बॉमविट हल्का था मेरे साथ वाले, जबकि मैं वहाँ बैठा नहीं था, मेरे साथ वाली सीट के साइड में वॉमिट कर दिया। तो आपको पता है, फिर ये देख के फिर तो मन हो गया ख़त्म, अंदर शूट करने का बिल्कुल मन नहीं करता कुछ बात बात करने के लिए। बट अभी मैं हो रहा है टाइम 7:55 और वैसे हम मॉर्निंग में ही पहुँचेंगे। मॉर्निंग में लगभग अगर हम पहुँचे तो कहाँ पहुँचेंगे वो मैं बताऊँगा नहीं। अगर अभी तक नहीं पता आपको तो मैंने नेक्स्ट व्लॉग में अपना बताया हुआ है, क्योंकि फादर्स डे स्पेशल था तो यहाँ आई बटन में आ रहा होगा, जाके प्लीज़ देखना। तो अभी के लिए कंटिन्यू करते हैं। नेशनल शिवा टूरिज्म ढाबा, तो यहाँ पे अभी लंच के लिए रोका है, तो वो तो खाते हैं। ऐसे तो मेरा कुछ खाने का मन है नहीं, फिर भी देखता हूँ अगर कुछ होगा अच्छा तो खाएंगे। भाई ढाबे वाले कैसे स्कैम करते हैं, सच में शौक हो गया। मैं भी ये लिए थाली ली, मैंने पूछा कितने का, उन्होंने कहा 150 रुपये की थाली है। फिर खाना, मतलब कुत्ता भी ना खाया वो खाना था। मैं आपको ये चीज़ शेयर करना चाहता हूँ, ये ढाम है नेशनल शिवा टूरिस्ट ढाब। भाई सबसे ज़्यादा गंदा खाना मिलता है, प्लस इनकी चलाकी एक और है, उनका 150 रुपये की थाली है। आपको पता है कि आपकी जेब में अगर 150 नहीं है तो आप 200 दे रहे हैं, 500 रुपये दे रहे हैं। ये बंदे ने क्या किया कि 50 रुपये और कमाने के लिए कस्टमर से इसने क्या कर दिया, ये पर्ची दे दी मुझे 50 रुपये की, ये बनी हुई, एक सेकेंड, ये पर्ची दे दी इसने 50 रुपये की। और सामने से कहता हूँ, ये जो सामने आपको शॉप दिख रही है, ये इसमें से आप जाके कुछ ले, यहाँ से मेरे पीछे जो शॉप है वहाँ से आपके कट हो जाएंगे। मैं भैया नहीं लेना, हमारे पास सब कुछ है। अब आज आ गई हूँ, दोबारा आज के बाद आपके पास कभी खाने नहीं आऊँगा, माँ कसम। क्या बोलूँ, मतलब मेरा एक तो वैसी टेस्ट ख़राब तो हो ही चुका है। कभी भी आप आते इस वाले हाईवे पे, और मैंने इसका नाम पूछ लिया, गजरोला एरिया ये, भाई सबसे गंदा खाना, स्कैम। मिलता हूँ। थर्ड स्टॉप चाय पीने के लिए रुके हैं, बस यहाँ पर है और चाय यहाँ बन रही है। आँखों में नींद भरी हुई है, पानी खत्म, अब बस एक कड़क सी चाय चाहिए, अच्छी एक चाय कर दे रहा हूँ। कितने का 200? कितने वाला कर दो, एक चाय कर दो। ये है कुछ चाय, मतलब कुल्लड़ वाली चाय, लास्ट टाइम भी मैंने एक बार ट्राई किया था जब मैं हरिद्वार गया था।
मॉर्निंग हो चुकी है और अभी बज रहे हैं 5:28 और आज है 15 जुलाई। पलिया पहुंच गए हैं, मतलब पलिया पहुंचने वाले हैं। अब पलिया तक पहुंच गए तो सबको पता लग गया होगा पलिया से आगे क्या पड़ता है, कौन सा स्टेट पड़ता है, तो वो है नेपाल। हाँ, तो मैं नेपाल पहुंचने वाला हूँ। और धनगढ़ी है, धनगढ़ी आप अगर गूगल पे सर्च करते हैं तो धनगढ़ी आता है, बिल्कुल बॉर्डर पास करके एज अ सिटी आती हो। तो बस ये मॉर्निंग बहुत प्यारी है यार। सो वी आर नाउ जस्ट हियर रीच नेपाल धनगढ़ी। तो जैसा अभी हमने बॉर्डर पार किया है, और बॉर्डर पार भी कैसे किया है, बैग चेक किया और लेने मेरी चाची आई हैं। तो ये मेरी चाची हैं, हाय कर दो। हेलो। तो अभी जस्ट बॉर्डर पार किया, उसके बाद अभी बैग भी चेक करवाया था, और फाइनली नेगेटिव का रिपोर्ट भी, हमने जो कोरोना टेस्ट होता है उसके विदाउट एंट्री यहाँ होती नहीं है नेपाल में। तो लो वीडियो नहीं बना सकते अभी यहाँ पे, तो वीडियो भी बना करते हैं। गाइस, मैं अपने घर पहुंच गया हूं, धनगढ़ी वाले घर पे, जहां पे मुझे पहुंचना था नेपाल में। और बाकी कुछ ऐसा रूम है अभी जहां पे भी मैं स्टे कर रहा हूं, बट अभी मुझे निकलना है अपने गांव के लिए। ये अभी सिटी शहर है जहां पे हम रहते हैं, और अभी मेन जहां पे अभी जाना है हमें विलेज साइड, तो वो पार्ट के लिए अब नेक्स्ट व्लॉग के लिए वेट करना। तो मिलता हूं आपसे दोबारा से नेक्स्ट व्लॉग में, जल्द आएगी व्लॉग, उसका वेट करना। तो बाय, प्लीज़ कीप सपोर्ट माई चैनल एंड डू सब्सक्राइब। ये लाल वाला चैनल सब्सक्राइब बटन आ रहा है, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर देना और सपोर्ट दिखाओ और शेयर करो। तो